जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना YouTube/कमाना खाना से आप सभी के साथ आज सिखा रही हूँ आपको मैं चाइनीज मेज यानी कि चाइनीज भुट्टा। बहुत ही टेस्टी यम्मी यम्मी। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है मेरा ये YouTube चैनल कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो चाइनीज भुट्टा यानी कि चाइनीज मेज बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं ये भुट्टे के दाने। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और अमेरिकन भुट्टा है ये, तो इसे अमेरिकन कहा जाता है यहाँ मुंबई में। चलिए मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ, कुकर में सीटी दिलवा देती हूँ। तो लीजिए, कुकर में मैंने डाल दिया है ये मेज यानी कि भुट्टा, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा यानी कि 5-6 चम्मच, और इसे 2 सीटियां फटाफट दिलवा दूंगी। तो देखिए अब कुकर बंद होने को है तैयार। उससे पहले थोड़ा नमक ऐड कर दूं, ये तो मैं भूल ही गई थी, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब कुकर सीटी बजाने के लिए तैयार है। तो लीजिए, बज गई है हमारी 2 से 3 सीटियां और मेज यानी कि भुट्टा तैयार है। लगा नहीं नीचे और एकदम पक चुका है, पानी भी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये पैन मैंने आग पर चढ़ा दिया है, इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। मेरे घर में ऑयल कम खाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और लग रहा है कि थोड़ा ऑयल और चाहिए, बहुत ही थोड़ा सा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। और ये गरम हो गया है मेरा ऑयल, इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन यानी कटे हुए लहसुन के टुकड़े मैं इसमें डाल दूंगी। इस लहसुन को थोड़ा भूरा सुनहरा करना है मुझे, सौते करना है, इसलिए अब इसे मैं थोड़ा सा चला लूं। धीमे धीमे लहसुन जो है वो सौते हो रहा है। और लीजिए हमारा ये लहसुन जो है ये सौते हो गया। अब इसमें ऐड कर रही हूं मैं ये कटे हुए प्याज। मैंने 2 प्याज ले लिए थे बड़े वाले, और मेरे पास जितना भुट्टे के दाने हैं उसके हिसाब से मैंने इसे ले लिया है। और अभी मैं इस प्याज को थोड़ा सा कच्चा पक्का सौते करूंगी, इसको ज़्यादा मैं पकाऊंगी नहीं। प्याज को ज़्यादा पका दो तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, और कच्चा रख दो तो उसमें से स्मेल आती है, इसलिए मैं प्याज को यहाँ सा थोड़ा सा अध कच्चा पक्का रख रही हूँ। लीजिए हमारा प्याज भी सौते हो गया अच्छे से। और चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें मैंने कटी हुई शिमला मिर्ची ऐड करती है, और अब ऐड करूंगी इसमें मैं ये कटी हुई गाजर के टुकड़े और ये फूल गोभी के कटे हुए टुकड़े। आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जियां भी डाल सकती हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसे भी सौते कर लूँ मैं। वैसे इसे थोड़ी भाप पे लगानी पड़ेगी ताकि गाजर का कसैलापन, शिमला मिर्ची, फूल गोभी का कसैलापन जो है वो कम हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ये ज़ीरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसको इंडियन टच दिया है, आप चाहें तो ना डालें। और अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक, मैंने काला नमक यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये काला नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे चला दिया है अच्छे से, ताकि ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो लीजिए, अब तैयार हो गया है ये मिश्रण और थोड़ा सा इसको हल्का पानी का छींटा मार सकते हैं, मारिए, नहीं मारना है तो नहीं मारिए। गैस को सिम करिए और ये जो हमारा मिश्रण सौते हो चुका है इसे थोड़ा ढक दीजिए और इसे एक भाप लगवा लीजिए। लग गई है भाप और मैंने इसे खोल दिया है, ये तैयार है। अब अच्छे से कच कच मुँह में भी आएगा और इसका स्वाद बड़ा ही टेस्टी टेस्टी होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी कि मैं इसमें अब ऐड करूंगी मेज के दाने यानी भुट्टे के दाने जो के पक चुके हैं, जिनको मैं 2 से 3 सीटी मरवा चुकी हूं। और अब बारी आती है मसालों की, तो ये बहुत ही अजूबे से मसाले ऐड करने वाली हूँ मैं इसमें। बिल्कुल चाइनीज़ टच आना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत इटालियन भी आना चाहिए, इसलिए ये प्रयोग है मेरा कमाना खाना का। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ओरिगैनो। ओरिगैनो डाल दिया है मैंने और अब मैं इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला, आप उसे सीजनिंग कहते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये भी ऐड कर दिया है मैंने, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा ओरिगैनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग का। नमक मैं डाल चुकी थी भुट्टे में, इसलिए अगर नमक डालना हो तो थोड़ा सा काला नमक बस वो रख दिया है मैंने यहाँ पर। और अब ये भुट्टे में सभी मसाले पड़ चुके हैं, तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये केचप यानी कि टमाटो सॉस, जितनी डालनी है डालिए अब अपने स्वादानुसार। मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर डाला है छोटे वाले, और इसमें ये अब सोया सॉस मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ अब मैं इसमें जो है ये शेजवान चटनी 1 चम्मच ऐड करूँगी। मेरे घर में ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसलिए शेजवान चटनी मैंने कम ऐड की है। बस हमारी रेसिपी में ये मसाले में आखिरी मसाला है लाल कश्मीरी मिर्ची, जिससे इस मिश्रण की शक्ल बनेगी। और मैंने इसे अब अच्छे से हिला देना है और इसको मिक्स होने तक इसको थोड़ा सा भाप देनी है। आप इसमें पानी के छींटे मार सकते हैं और लीजिए तैयार है हमारा ये मेज़। और मैंने बुरक दिया है इस पे फूकों वाला प्याज। फूकों वाला प्याज थोड़ा और डालने पर इसकी शक्ल भी अच्छी बनती है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है कचकच वाला, और आप खा सकते हैं बड़े आनंद में इससे। तो इसे ज़्यादा पकाना नहीं है फूकों वाला प्याज डालने के बाद। और लीजिए तैयार है अब हमारा मेज़, चाइनीज़ मेज़ यानी चाइनीज़ भुट्टा, बहुत ही टेस्टी टेस्टी यमी यमी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप अपने ये भी डालिएगा कि आप कुछ और चाहते हैं मुझसे सीखना या कुछ और आपको बताना है इस रेसिपी के बारे में, तो मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़ मेरा ये चैनल कमाना खाना बाय कामिनी खन्ना।